साथ मौजूद है जी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत इंसान इनसाइड आउट, बहुत ही अच्छी इंसान, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही अच्छी एंकर, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस नाजिया अली। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम राफिया, आपको भी मेरे सब फैंस को भी देखने वालों को ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहली ईदी तो अभी यही होगी ना राफिया? कौन सी ईदी, कौन आप कौन है जी? अब यही तो बात है ना, ईदी तो आप दे रही है, दे रही है। नाजिया कोई नहीं दूंगी, बाकी सबको सबको। नाजिया ने मुझसे ईदी की बात कर ली, पता है हमारी तो राफिया बहुत बड़ा, मैं हमेशा देखती हूँ राफिया ईदी डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, है ना राफिया? मेरी ईदी ने रखा था लेकिन मेरा दिल नहीं है अब नाजिया को देने का, क्योंकि अब इस बार मैं चाहती हूँ कि नाजिया मुझे इस बार ईद दे। नहीं नहीं, घर से सोच के ईद ना, ईदी जो है ईदी की जो खास हमारी, अभी हम ईद मिले नहीं है ना, आगे हम मेकअप में इतने बिजी थे, तो मैं जाते हुए वो ईदी जरूर देके जाऊँ। नहीं ये मैं दे देता हूँ, ये आप मुझे दे दे। वो वाला सीन जो मैं अभी पाव वाला कह रही थी, गाय पीछे लगी थी, वो बचपन का है, गाय पीछे पीछे लग गई थी, वो सांप था जो पीछे लग जाता है। नहीं नहीं, वो गाय मैंने मैंने सुना है बच्चों की, लेकिन वो बच्चे प्लास्टिक कलर्स पहने भी होते हैं ना, तो नहीं मैंने शरारती होने की वजह से किया गया, उसको तंग कर रही होंगी, मतलब लाजिया तुमने तंग किया होगा ना, तो मैं यही बता रही हूँ, शरारती होने की वजह से। शरीफ किस्म के जानवर होते हैं, बात ही नहीं करते, खामोशी से बैठे रहते हैं। उसने बदला लेने के लिए अपनी रस्सी तोड़ के मेरा पीछा किया था, तोड़ के इतनी हिम्मत इतनी ताकत आ गई नाजिया। अच्छा मैं तो कुर्बानी नहीं, लेकिन तुमसे मीठी नहीं खाती हूँ। अच्छा हाँ, वैसे नाजिया के साथ कि नाजिया जो है वो तो सिरे से ही वेजिटेरियन है, लेकिन और, अभी और कुकिंग करती है, नहीं फ्लेवर है ये, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है एक तरह से, फ्लेवर टमाटर की कुर्बानी करती हूँ।
नाजिया को देखिए ना, मुझे हमेशा एक वक्त याद आता है जब मैं और नाजिया पहला एक कोई शो साथ में कर रहे थे जो कि नहीं हो पाया था क्योंकि एक लाइव न्यूज कवरेज थी उसमें हमने और मैंने हाँ, नाजिया और हमारे साथ जो और गेस्ट थे हमने अंताक्षरी खेला था। बहुत मजा आया था। दो घंटे थे हमारे और वो दो घंटे हमने कोई इतना शुक्र किया था उन दो घंटों में। सबने अपनी अपनी कलाकारियां दिखाई थी और मुझे पता चला था कि नाजिया जो है वो काफी अच्छा गा लेती है। हम स्टैंड बाय पर ही रहे कि वो न्यूज अलर्ट चल रही है, वो न्यूज अलर्ट चले जा रही थी, उस दिन हमारा उठने का मूड भी नहीं था। मैं कहती हूँ अच्छा अच्छा मुझे नहीं बताओ मतलब मैं राफी पता है इस चीज को मैं कंटिन्यू मैं अभी भी डिस्कस कर रही थी जब भी मेकअप रूम में भी, तो ये है कि हम जो करते थे ना अभी के बच्चों में वो चीज नहीं है। वो अटैच होंगे, सब होगा, प्यार करेंगे, लेकिन अब उन्हें ये होता है वो रोते अभी नहीं के बच्चे पता नहीं, अभी मेरे बच्चे तो रोते हैं नहीं वो पता है वो एक्चुअली मैं बताऊं सर थोड़े से मुझे लगता है बच्चे थोड़े प्रैक्टिकल हो गए बहुत ज्यादा, जिसे डे वन पता है कि इट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ ये चीज कि उसमें ये होता है कि अब जैसे मेरा बेटा इतना छोटा सा है लेकिन उसको ये हो रहा था कि ईद से हम लोगों ने चांद रात से भी तीन दिन पहले उसकी वजह से बहुत जल्दी आ गया था। इस साल बकरा वैसे ये होता है तीन चार दिन पहले, लेकिन उसको ये था मम्मा इसको खिलाए तो गॉड को खिलाएंगे तो मीट बहुत निकलेगा। बहुत निकलेगा ये तो अच्छी ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, इतने छोटे बच्चे अच्छे उसको बेचना है बस। उसके बाद ये कि बहुत मजा आएगा अच्छा जब होगा यानी अटैच है आप सब। मैंने कहा मैं हमेशा जब भी आता है तो मैं मिस कर रही होती हूँ कि यार घर में एक मेहमान की तरह था, लेकिन कोई असर नहीं होता। और हम लोगों को फिर बचपन अगर हम रिकॉल करते हैं आजकल के बच्चे जो है ना जैसे हम रोते थे एक दूसरे को तसल्ली दे रहे होते थे, दूसरा कुर्बानी करके अपनी डीप फ्रीजर बढ़ाना। ये क्या आप इसी चीज को बढ़ाऊंगी आगे कि ये जो हम सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं तो हमारी ईद कुर्बान पर यही सारे पॉइंट्स हैं तो कि उसका मकसद क्या है। उसमें ये होता है कि हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं मोस्टली कि ये हमारे जो हिस्से हैं इस्लाम के हिसाब से वो नहीं करने हैं, हमने घर में बारबेक्यू करना है तो उसके लिए हमने कौन सी चीज रख लेनी है फ्रीज करके, और कौन सी हमारे कौन से रिलेटिव को ज्यादा पसंद है उसका राइट बनता है उसे देनी है। उसमें हम जो मुस्तहिक होते हैं नीडी लोग होते हैं उन्हें जाते हैं जो कि स्पेशली उन्हें देने का दिन होता है, एक साल नहीं खा पाते। मेरे घर में ऐसे ही होता है, मेरी बेगम इस हवाले से वो बहुत ज्यादा केयरिंग है कि सबसे पहले वो रिश्तेदारों का निकालने की बजाय ना जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए निकालती है कि ये उसको दो, और फिर अगर और दरवाजे पे आ जाए तो जो अपने हिस्से का होता है ना उसमें से भी वो दे देती है कि दे दो हमने जितना खाना खा ले और इसका कोई मतलब। तो आपके बेगम माँ के डेफिनेट बहुत बहुत अच्छा ये कौन सी बारी पहली बारी दूसरी ये बिठवाने की प्लानिंग हो रही है। ये तो जाने के बाद की भाई उन्हें सही सलामत पहुंचना है, जाना भी आप ही की कुर्बानी ना हो जाए आज कलेजी शायद मैं नहीं खा पाऊंगा। आप क्या हमारे इस ओए होए वाले मौके पे क्या सुनाना चाहेंगे? फरमाइश पूरी कर दें फरजाना आज तुम क्या क्या बड़ा अच्छा एक मशहूर हुआ है कोका कोला पिला नहीं या तो ओए होए खिला दे या तो खिला दे कोका कोला कोई धमाका कर दे क्या करने। मैंने आपको बताया था नाजिया संघ का ट्रिब्यूट इनसे ज्यादा खूबसूरत शायद ही कोई पेश करता। थैंक यू
राफी इसी चीज को बढ़ाऊंगी आगे कि ये जो हम सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं हमारी ईद कुर्बान पर, यही सारे पॉइंट्स हैं कि उसका मकसद क्या है। उसमें ये होता है कि हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं मोस्टली कि ये हमारे जो हिस्से हैं इस्लाम के हिसाब से वो नहीं करने हैं, हमने घर में बारबेक्यू करना है तो उसके लिए हमने कौन सी चीज रख लेनी है फ्रीज करके, और कौन सी हमारे कौन से रिलेटिव को ज्यादा पसंद है उसका राइट बनता है उसे देनी है। उसमें हम जो मुस्तहिक होते हैं नीडी लोग होते हैं उन्हें भूल जाते हैं, जो कि स्पेशली उन्हें देने का दिन होता है, एक पूरा साल नहीं खा पाते। फरमाइश पूरी कर दें फरजाना, आज तुम क्या क्या बड़ा शुरू हुआ है, कोका कोला पिला या तो ओयो खिला दे, या तो ओयो खिला दे या कोका कोला पिला, कोई धमाका कर दें, क्या कहना है नाजिया संकट। मैंने आपको बताया था नाजिया संकट ट्रिब्यूट, इनसे ज्यादा खूबसूरत शायद ही कोई पेश करता। थैंक यू प्लीज। We'll be right back.
बाहर भी सीख खाओ ओयो हीरो है भाई हीरो है मैं कोई सोचा नहीं मेरे मुंह में आने का रीमा मीरा के साथ पुरानी हो गई अब तो न्यू वाले के साथ आएंगे ऐसे कुछ सोचो मुझे नहीं ऐसे कभी आऊं हीरो शीरो बन के नहीं हीरो शीरो बन के नहीं मैं विलन बेसिकली विलन नेगेटिव कितने मजे से कह रहे हैं मैं विलन बेसिकली करते हैं विलन भाई लोग भाई लोग लेकिन बात हो रही मजा लेके कह रहे हैं देखिए ना वो बिल्ली जैसी आंखें ओए ओए खाके इनको विलन होने में भी मजा आ रहा है ओए ओए खाकर इन्हें विलन बन के भी मजा आ रहा है अच्छा आवाज भी माशाल्लाह बड़ी गरजदार आवाज भी ऐसी विलन वाली आवाज अच्छा वरना जिस मैं बेगम घर नहीं आ रहा मैं इधर ही हूँ शरीफ में ज्यादा होती है सारी ईदें गुजर गई पता नहीं आगे कितनी गुजरनी है ये नहीं गुजरनी अल्लाह से गुजर कोई बहुत ही यादगार मोमेंट आप में से किसी की जिंदगी में यादगार तो वो शुरू में ही हम डिस्कस कर चुके हैं सबसे खतरनाक बकरे का भागने वाला ईद का ईद पे तो होते ही इसी तरह की यादगार अच्छा मैंने उस एक्सपीरियंस के बाद भी शरारतें बचपन में बिल्कुल नहीं छोड़ी मुझे शुरू से सबसे सताया अभी भी शरारतें नहीं छोड़ी हम उनको दो मिनट के लिए छोड़ दें मुझे बहुत मजा आता है मुझे बहुत मजा आता है बहुत सुकून मिलता है मेरे साथ हाँ पता नहीं मुझे सुकून ही नहीं मिलता स्पेशली पता क्यों स्कूल में थी ना जब भी कुछ ना कुछ कर देना यानी जिससे सब परेशान हो जाए एंड में सब हंस रहे होते थे इस तरह की शरारतें तकलीफ देने वाली नहीं थी अच्छा ये जो इनका ट्रिब्यूट था ना ये बूम बूम वाला तो वो मुझे लगा था कि वो जो बकरा ईद में हम लोग जानवर देख के इंसान के दिल से आते दिल बोले बूम बूम चीज थी कुछ और हो जाए बिल्कुल टाइम हमारा बिल्कुल टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया टाइम बिल्कुल खत्म हो गया बहुत सारे टारगेट मेरे हैं सारी दिल में बातें रह गई राफिया ये तो बहुत गलत बात है आपके पास जब भी आओ तो आप ये यार दो मिनट और देते हैं किसी भी नहीं नहीं दे रहे मुझे नहीं दे रहे थैंक यू अच्छा बहरहाल सबका थैंक यू करो और व्यूवर्स को हमारी तरफ से ईद मुबारक और बहुत ज्यादा खुशियाँ और अच्छे अच्छे मैसेजेस भी हम सबकी तरफ से पॉजिटिव क्या अच्छे मैसेजेस जो हम दे चुके हैं बोलने की हद तक नहीं थैंक यू नाजिया थैंक यू फजाना इमरान मैं नहीं आपको जाने दूंगा नहीं हम सबको भी आंसर होने चाहिए हम सबको भी होना चाहिए थैंक यू राफिया थैंक यू मैडम थैंक यू दोबारा वंस अगेन फजाना